हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको YT स्टूडियो के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। और इस अपडेट के बाद जो YT स्टूडियो का लुक है, जो इंटरफेस है, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको इस अपडेट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो छोटी सी है बट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है। प्ले स्टोर की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है हमें। तो यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ओपन कर ली है और यहाँ पे हमें ऊपर जो सर्च बार है इसमें हमें टाइप करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हम टाइप करेंगे YT स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे YT स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना है। मैंने अपडेट कर ली है, ये दोबारा से अपडेट बोल रहा है, ठीक है। आपको इसे अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपको YouTube की जो ये YT स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है। तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ YT स्टूडियो की अपनी एप्लीकेशन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर देंगे तो आपके सामने अब जो इसका डैशबोर्ड है, जो YT स्टूडियो का जो इंटरफेस है, जो होम स्क्रीन है, वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे लाइन में दिखाई देते थे आपको, यहाँ पे लाइन से आपको व्यूज सब्सक्राइबर दिखाई देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके चैनल का नाम आ जाता है ऊपर, नीचे उसके सब्सक्राइबर लिखे हुए हैं। चैनल एनालिटिक्स में आपको लास्ट 28 डेज़ के यहाँ पे व्यूज़, वॉच टाइम, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे आपको रिवेन्यू भी दिखाई देगा। तो ये सारे फंक्शन इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपका लेटेस्ट पब्लिश कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड में ही, और लेटेस्ट कमेंट आपका नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट का जो है सेकंड ऑप्शन, उसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से आपके जितने भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगी। शॉर्ट्स वाले सेक्शन में लाइव जो आप करेंगे वो यहाँ पे आएंगी, और जो प्लेलिस्ट आप बनाएंगे वो सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद एनालिटिक्स है, तो यहाँ पे एनालिटिक्स में आप ओवरव्यू देख सकते हैं अपने जो भी आपका चैनल है उसका। यहाँ पे कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, व्यूज़, इम्प्रेशन, टॉप वीडियोस, सारी चीज़ें। ऑडियंस पे क्लिक करके आप ऑडियंस देख सकते हैं किस तरह की ऑडियंस आपके चैनल पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कमेंट का सेक्शन है, यहाँ से आप कमेंट्स आपके सारे दिख जाएंगे आपको। उसके बाद लास्ट यहाँ पे मोनेटाइज का ऑप्शन है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी, जैसे ये स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको यहीं पे पता लग जाएगा कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, कितने हुए हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, कितना वॉच टाइम हुआ है, यहाँ पे आपके चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो नहीं है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपने किया है या नहीं किया है, वो सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल गए। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि यू आर इन द पार्टनर प्रोग्राम, यूट्यूब के जो पार्टनर प्रोग्राम है उसके अंदर आप हैं, ठीक है। अगर ये चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है तो इसमें इस तरीके से लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो YT स्टूडियो का इंटरफेस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, इस तरीके से इसका लुक आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये अपडेट से जो YT स्टूडियो का लुक है वो सारा चेंज हो गया है, उसका होम पेज चेंज हो गया है, उसके सारे फंक्शंस चेंज हो गए हैं। तो अगर आपको फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।